पानीपत गोहाना रोड स्थित सुविधा मॉल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग रात को 2 बजे के करीब लगी है। आग इतनी भयंकर थी कि मॉल में रखा ब्रांडेड कपड़ों का स्टॉक जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जिले के आला अधिकारी और पुलिस अमला भी मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि पानीपत दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोहाना मोड़ स्थित ब्रांडेड कपड़ों के सुविधा मॉल में आग लगने से कई करोड़ के ब्रांडेड कपड़े जलकर खाक हो गए। बता दें कि ब्रांडेड कपड़ों के मॉल में रात को 2 बजे धुआं उठता देखा गया, उसके तुरंत बाद आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। फायर अधिकारी के मुताबिक उन्हें सुबह 3:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर जिले भर से दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। मुख्य द्वार पर आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन मॉल का क्षेत्र बड़ा होने के कारण अंदर से अभी आग पर काबू पाना बाकी है। आग के रौद्र रूप से लगता है कि मॉल के नुकसान को हम नहीं बचा पाएंगे। बिल्डिंग को भी भारी क्षति पहुंच रही है। समालका रिफाइनरी, NFL, थर्मल सभी जगह से फायर टेंडर गाड़ियां मंगाई गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी ये नहीं बता सकते कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। जान को छोड़कर माल का भारी नुकसान हुआ है। मौके पर कमिश्नर, नगर निगम, जिला राजस्व अधिकारी के साथ सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। 3:20 पे आग लगते हमारी फायर की सारी गाड़ियां यहां पर आ चुकी थी। फिर हमने आग की सिचुएशन को देखकर NFL रिफाइनरी और गोरोंडा करनाल और इधर सोनीपत से भी गाड़ियां मंगवाई हुई। अब हमारी यहां 13-14 गाड़ियां काम कर रही हैं। कुछ जानकारी मिली किस तरह से आग लगी? अब रात को क्या पता लगता है, धुआं उठ रहा था, अभी क्या लगा अभी कोई सिचुएशन का पता नहीं है। शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है और क्या, यहाँ कोई लाइट वगैरह रात को तो यही होता है। तो सर अभी आग बिहाने का तो कब तक से इसका लगता है सर चांस? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी वैसे कंट्रोल तो है लेकिन कहीं जाने का रास्ता नहीं है, अभी कुछ नहीं बोल सकते अभी कब तक कंट्रोल होएगी। करोड़ों का नुकसान हुआ होगा? हाँ, नुकसान सारा ही नुकसान है इसका, बिल्डिंग का भी नुकसान है, जान माल का सामान का नुकसान तो है ही। जान का तो नहीं है नुकसान लेकिन माल का नुकसान। नाम आपका? रामेश्वर सिंह, फायर ऑफिसर। आया फिर मैं उसी से हेलो, हाँ जी मैं एक मिनट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। रात को 2 बजे ही हो चुका था, रात 2 आया था, आज वहाँ बहुत कम था। मैंने तो गार्ड से करवाया, मालिक को फ़ोन किया, मैं जरूर बात करवा दो। 2:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी कंट्रोल के माध्यम से और उसी समय सारी प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। सभी गाड़ियाँ हमने आसपास की गाड़ियों को भी फायर विभाग के माध्यम से गोरोंडा से, रिफाइनरी से और गोहाना से गाड़ियाँ आई और NFL से सभी गाड़ियाँ लगी हुई। आई थिंक अब ये कंट्रोल में है और बहुत जल्दी होगी, वैसे भी सारा चल गया अंदर से, लेकिन कभी काफ़ी पाई जाएगी। सर कारण कुछ पता लगा आग लगने का? कारण का कुछ निकाल उसका शॉर्ट सर्किट का हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अंदर कोई था नहीं, बाहर गार्ड था तो अंदर तो शॉर्ट सर्किट का ही अनुमान अभी लगाया जा रहा है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.